हेलो फ्रेंड, जय जगन्नाथ। वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद है कि आप सब बहुत बढ़िया से होंगे। मेरी तबीयत थोड़ी सी बिगड़ गई है, सर्दी हुई है तो यहाँ तो बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है। कभी कभार भीग जाती हूँ बाहर जाने से, और कुछ नहीं। सुमित और उसके पापा दोनों ठीक हैं। और आज है थर्सडे, टाइम अराउंड होने वाला है 10 के करीब। और मॉर्निंग में पोहा खाए थे, और अभी आज मैं आपके साथ मेरा ग्रॉसरी हॉल शेयर करूँगी। जो मंथली ग्रॉसरी होता है वही, ज़्यादा कुछ नहीं है। बड़े दिन हो गए ना, मैंने कोई ब्लॉग भी नहीं बनाया था। कुछ दिन से मैं स्टार्ट की हूँ। अभी मैंने सोचा था कि यूट्यूब तो मैं क्विट करूँगी, नहीं करूँगी और काम, लेकिन कुछ मेरे अच्छे अच्छे फ्रेंड्स यूट्यूब के और मेरे फैमिली में, मेरे हस्बैंड स्पेशली बोले कि इतनी मेहनत से यहाँ तक पहुँची हो तो क्यों क्यूट करोगे, करते चलो, बस मेमोरीज के लिए भी काफ़ी है। कुछ ना कुछ करना है, घर में खाली बैठने से बेटर है कुछ ना कुछ करो। तो मैंने डिसाइड किया कि मैं अभी फिर से ब्लॉग्स डालूँगी, चाहे कोई भी, मतलब रेसिपी हो या कहीं घूमने जा रहे हैं ट्रैवल ब्लॉग, या फिर घर में छोटा मोटा कुछ भी। पहले जैसे आपका सपोर्ट मिला था, वैसे ही उम्मीद करती हूँ कि वैसे ही सपोर्ट मिलेगा। तो फ्रेंड्स, चलिए मेरा आप वीडियो देख लीजिए। तो पहले शुरू करती हूँ। ये मेरा बेटे का सारा सामान, ये देखिए, उसके पसंद का है। ज़्यादा एक्चुअली नहीं देना चाहिए, फिर भी ये देखिए, ये मैड एंगल्स लेस, कुरकुरे, फिर ये कुछ टैंगी टमाटो, ये सारा हम तो डीमार्ट से ही लाते हैं। ये सुमित का है। फिर ये देखिए, उसको ना ये ओरियो बिस्किट बहुत ज़्यादा पसंद है, तो ओरियो में लेकर आई थी एक पैकेट जो कॉम्बो वाला आता है। इसमें ना एक तो वो ऑलरेडी खा चुका है, और इसमें 5 वाला है, लेकिन इसमें है और 4। देखिए, आज सुबह ही वो टिफ़िन में ले गया। और ये रहा, और बाकी का देखिए कितना सारा सामान वो लेकर आया है। ये है ये केक, फिर ये दोबारा और एक केक, फिर ये कुछ वैफी वैनिला का है वेफर्स, और ये देखिए ऑरेंज वाला, वो ना ट्रॉली में बैठता है, ट्रॉली में बैठ के ना उसके पास जितना सारा सामान वो उसके हाथ में पहुंचता है, एक एक करके वो डालता रहता है। और क्या क्या लाया है मैं दिखा, ये देखिए, ये एक जिमजाम बिस्किट ये भी लाया, और ये हाइड एंड सीक, ये बाबन का ना वन, ये बाबन का है ये बिस्किट, खाली बिस्किट चॉकलेट वही उसका पसंद। ये देखिए डार्क फैंटेसी का, ये ना एक पे एक फ्री था। और ये एक चोको फिल्स, ये हो गया सुमित का। और ये मुझे 50-50 बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, तो 50-50 में लाई हूँ, मैं खुद खाऊंगी, वो नहीं खाता। और ये पार्ले जी भी वही खाता है, मिल्क में डाल के खुद खाता है। फिर ये देखिए, ये मैरीगोल्ड, चाय में अच्छा लगता है तो ये मैं लाई हूँ। और ये एक, ये मुझे न्यू दिखा तो मैं ले आई हूँ, पटाटो क्रैकर समथिंग। और ये तो चाय पत्ती, फिर ये टिकटॉक, पहले वो बहुत ज़्यादा चॉकलेट खाता था, लेकिन ना आजकल थोड़ा कम गया है, नया नया चीज़ देखेगा ना तो ले आता है। और ये एक मुझे बहुत अच्छा लगा, मुझे बहुत ज़्यादा सर्दी हुई है तो नाक बंद हो जा रहा है। तो देखिए, अमूल का चोको मिनिस, और देखिए इसमें चॉकलेट्स है। ये ओनली मुझे 150 रुपीज़ में है ना, अच्छा, मुझे बहुत अच्छा लगे। डब्बा के लिए मुझे ये बॉक्स जो है ना, इसके लिए मैं ये ले आई हूँ। और ये सारा सामान जो है, मतलब घर के खाने पीने की चीज़ें,
और ये आटा, फिर नमक, चिली पाउडर, बस थोड़ा बड़ा बड़ा पैकेट ले आती हूँ ताकि ज़्यादा दिन चले, और अवेलेबल जो रहता है ना वही लाना पड़ता है। और ये आशीर्वाद का हल्दी पाउडर, फिर ये वही आशीर्वाद का सॉल्ट, फिर बेसन। अब देखिए ये है ड्राई चिलीज, फिर ये मसूर दाल, तूर का दाल ना बहुत ज़्यादा है घर में तो नहीं लाई, और ये चीनी, फिर ये रहा सूजी, ये है उड़द की दाल जो हम पिठा बनाते हैं वही, और ये लिज्जत का पापड़, फिर ये काबुली चना है, और जीरा, सरसों मेरे पास अवेलेबल था इसलिए मैं सरसों नहीं लाई, तो ये जीरा जीरा भी है। और ये देखिए इपी 8 पैक वाला, अच्छा लगा, काफ़ी बड़ा है इसलिए मैं ले आई 2 पैकेट। और ये मेयोनीज, हाँ पनीर भी लाई हूँ लेकिन वो फ्रिज में रखती हूँ। और ये फ्रेंड्स, ये छोटा छोटा पाउच मैगी का, ये सुमित के लिए, बस उसके लिए बनाऊंगी कभी कभी। और फ्रीडम का रिफाइन ऑयल 3, और ये देखिए मस्टर्ड ऑयल है 3, और ये काजू। बस हो गया मेरा, जो भी मैं सामान लाई आपके साथ शेयर कर ली। तो फ्रेंड्स बस यही था आज का वीडियो में। और कैसा लगा वीडियो प्लीज़ मुझे कमेंट में बताना, जो भी चैनल में न्यू है, पहली बार आए हैं वीडियो में, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना, और पास में जो बेल आइकन है उसे भी क्लिक कर लेना। फ्रेंड्स फिर से मिलेंगे शायद कोई रेसिपी या फिर ब्लॉग, तब तक के लिए अपना और अपनों का अच्छे से ख्याल रखिए। फ्रेंड्स बाय बाय, लव यू ऑल, थैंक्स फॉर वॉचिंग।